स्टैंडर्ड 7th मैथ्स चैप्टर 5 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स. सो प्रैक्टिस सेट 23. राइट थ्री रैशनल नंबर दैट लाई बिटवीन द टू गिवन नंबर्स. सो हियर सी दिस इज टू रैशनल नंबर 2/7, 6/7. व्हेनेवर यू हैव नंबर इन फ्रैक्शन फॉर्म दे आर सेट टू बी अ रैशनल नंबर. So now what they are asking? They are asking us to write two numbers which are between these two numbers. For example, 2/7 and 6/7. तो इसके बीच के बाकी के numbers वो लोग लिखने बोल रहे हैं. So first of all, what you have to see? पहले तो आपको denominator देखना है. That both the denominators are equal or not. If the denominators are equal, so then you have to look upon the numerator. अगर denominator same है तो हमको सिर्फ numerator की तरफ देखना है. तो after 2, what comes 3, then 4, then 5. So that means after 2 we have 3/7, 4/7 and 5/7, and then this 6/7. So here we get the answer easily. ये number sequence को अगर हम पूरा करते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7. So what they have asked, write three rational numbers. तीन numbers चाहिए that lie between the two given number. इन दोनों के बीच का, तो बीच के तीन number हुए. तो यहाँ पे सॉल्यूशन आंसर द थ्री रैशनल नंबर्स आर 3/7, 4/7 एंड 5/7. ओके. सो नाउ सेकेंड वन, 4/5, 2/3. सो यह डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल. यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप विल बी टू मेक दिस डिनोमिनेटर इक्वल. सो हम डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करते हैं? बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. सो एंड 2/3, दिस इज सेट टू बी अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके. इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते. सो मीन्स इसका डिनोमिनेटर इन दोनों पे जाएगा और ये डिनोमिनेटर यहाँ पे. सो 4 3 12, 5 3 15, 2 5 10, 3 5 15. ओके. अब आफ्टर दिस यू हैव टू राइट देम इन ऑर्डर. ये ऑर्डर में नहीं है ना. सो फर्स्ट राइट द स्मॉलर वन, 10/15 एंड देन 12/15. सो नाउ ये क्या हो गया, स्मॉलर टू ग्रेटर. अच्छा नाउ इफ यू सी नीचे डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया. सो आफ्टर 10 वी हैव 11, देन वी हैव 12. सो दैट मीन्स 10/15 और 12/15 के बीच में हमको एक ही नंबर मिला एक्स्ट्रा. वी गॉट ओनली वन नंबर बट वी वॉन्ट थ्री नंबर्स. हमको थ्री नंबर्स चाहिए. सो दिस इज़ नॉट अ आंसर. देन वॉट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम इसको एक नंबर और बड़ा करेंगे, दैट इज रैशनलाइजिंग. नाउ वॉट वी विल डू, ये जो 10/15 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक वन नंबर ग्रेटर. इफ वी डू नॉट गेट आंसर बाय 2, अगर हमको 2 से नहीं मिलेगा, then we will do 3 से multiply. So like this we will go on increasing. So now 10 2 is 20, 15 2 is 30, 12 2 is 24, 15 2 is 30. Now you have 20 and 30. अगर हम इसको sequence में लिखेंगे, so we will have 20 21 22 23 and then 24. सो दैट मीन्स वी हैव 1 2 3, तीन नंबर्स मिल गए 22 24 के बीच में. सो आंसर द थ्री रैशनल नंबर्स आर
आर 21 upon 30, 22 upon 30, and 23 upon 30. Okay. Now let's see the next sums. -2 upon 3, 4 upon 5. Again, denominator is not equal. Okay. So first step will be to make the denominator equal. Okay. So that means we have to do cross multiplication. So this 5 will multiply over here and this 3 will multiply over here. So why we do this? ये हम क्यों करते हैं? Because एक number line का rational number means it is in number line. So this is a 0. So after 0 this side 1, 2, 3, 4 and this side negative. ये negative है, ये positive. So further we will see this. Now when we multiply, see 2 5s are 10 and 3 4s are 12. Okay, then 5 3s are 15. Okay, so ye number ban gaya. Now see here they have given us minus sign, yani ye ek negative number hua. That means negative matlab ye yahan ka number hua. So we have -10. See, -10 upon 15. Okay, and then for example I am writing here only -10 upon 15. So हम एक एक number पीछे पीछे जाएंगे. Number line में कैसे होता है, ये 10 है तो पीछे जाएंगे तो 9, then 8, then 7, 6, then 5. ऐसे करते हुए हम 0 तक पहुँचेंगे. देन 0 के बाद इट विल स्टार्ट 1 upon 15, 2 upon 15, करेक्ट, राइट? वो 12 तक जाएगा. दैट मीन्स अभी हमारे पास बहुत सारे नंबर हुए जो इसके बिटवीन में. फॉर एग्जांपल नाउ इफ वी गो, अगर हम अभी एक एक पीछे जाएंगे तो यहीं पे हमको कितने सारे नंबर मिले. अभी 6 के बाद ये 5, 4, 3, ... 0, 0 के बाद 1 upon 15, 2 upon 15, ऐसे ... करते हुए हम 12 upon 15 तक पहुँचेंगे. मीन्स एक नंबर लाइन के नेगेटिव नंबर से लेके 12 के 15 नंबर तक पहुँचने तक वी हैव सो मेनी नंबर इन बिटवीन. एंड हाउ मच वी वॉन्ट? वी वॉन्ट ओनली 3. सो इनमें से कोई भी 3 नंबर्स उठा के हम आंसर्स में लिख सकते हैं. ये वाले आंसर में आप लोगों का आंसर अलग अलग भी हो सकता है. सो इट इज़ ओके बिकॉज यू हैव इन्यूमरेबल, यू हैव मैनी नंबर्स विच यू कैन चॉइस एज फॉर योर आंसर. फॉर एग्जाम्पल मैंने यही 3 नंबर उठा के लिख दिया. फिर अगर इफ़ योर फ्रेंड वॉन्ट्स टू राइट एक एक छोड़ के, वो एक एक छोड़ के आंसर में लिख सकता है. ओके, सो लेट्स राइट आंसर. यहाँ पे लिख देंगे द 3 रैशनल नंबर्स आर. सी इसमें से कोई भी अपने पसंद का 3 नंबर आप लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने एकदम स्टार्टिंग वाला लिया इसके बाद का. देन यू कैन इवन राइट 0 एज वेल बिकॉज वो इसके बीच में ही आता है. देन आई टेक ये 1 वाला ले लेती हूँ, 1 upon 15. फिर 12 के एक पहले क्या आएगा, 11 upon 15, राइट? सो 11 upon 15. यू कैन राइट एनी नंबर्स आउट ऑफ दिस. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम्स. ओके, नाउ फोर्थ सम, 7 upon 9 - 5 upon 9. सो सॉल्यूशन. नाउ सी इमेजिन, एक नंबर लाइन इमेजिन कर लो. ओके, दिस इज 0. देन वी हैव -5 upon 9, मीन्स -1, -2, -3, -4, -5. -5 upon 9, देन 0, वी हैव 7, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9,
9, 9 and 9. So see, ये 7/9 ये हुआ एंड -5/9 ये. सो वी वॉट वी नीड, हमको कोई भी 3 नंबर्स चाहिए. सो वी हैव सो मैनी इन ऑप्शन. सो आउट ऑफ दिस यू कैन राइट एनी 3 एज अ आंसर. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग -2, -1 and 5. सो दिस यू हैव टू शो हियर. सो फॉर एग्जाम्पल .0, then .1/9, 2/9, .4/9, comma 7/9. So out of this any 3 you can show. So the 3 rational numbers are any -4/9, 1/9 and +4/9. ओके, इनमें से कोई भी एक ले सकते हो. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सम्स. -3/4, +5/4. सो अगेन अगर -3/4 से पीछे पीछे जाते हैं नंबर लाइन के, सो 2 एंड देन -1 then 0 then 1/4. डिनोमिनेटर सेम है ना, सो डायरेक्टली वी कैन राइट, वी डोंट हैव टू डू एनी सम्स. देन 4/4 एंड देन 5/4. +5 दिया है मतलब पॉजिटिव नंबर. सो सी, दिस वॉज योर फर्स्ट, दिस वॉज योर लास्ट. सो इन बिटवीन एनी 3 यू वॉन्ट. सो द 3 रैशनल numbers are, so of your choice you write any 3. For example -2/4, 1/4 and 3/4. Okay, now 6 sums is 7/8 and -5/3. So first of all, here we have to do rationalization because the denominator is not equal. So that means we have to do cross multiplication. So 7 3 is 21, okay, and then 8 5 is 40, but 5 is negative, that means -40, and then this 2, 8 3 is 24. सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग डिफरेंट. इसका मतलब वही हुआ कि 7/8 को हम 3 से करें एंड -5/3 को हम 8 से करें. सी, 7 3 is 21, 5 8 is 40, 8 3 is 24, 3 8 is 24. सो आइदर यू डू लाइक दिस इन योर माइंड और डू लाइक दिस. नाउ वॉट यू हैव, अभी आपके पास -40/24 है. सी, कहाँ -40 एंड वेयर इज 21. यू हैव मैनी नंबर्स इन बिटवीन, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे. सो यहाँ पे 39, 38, 37, 36, बहुत सारे नंबर होंगे 0 तक पहुँचने में. एंड देन यू हैव, वी विल स्टार्ट पॉजिटिव नंबर. सो पॉजिटिव नंबर से भी वी हैव टू रीच 21. And there is also many numbers which is, for example, 21 tak jana hai. So 20/24, 23/24, and 21, 19/24. This is the last positive number and this is the first negative number. So in between you have innumerable, बहुत सारे number है जो आप as the answer लिख सकते हो. So the 3 rational numbers are, so
योर आंसर्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आप लोगों के आंसर आप लोगों के फ्रेंड्स से अलग हो सकते बिकॉज देर आर मैनी नंबर्स टू बी चॉइस. कोई भी इतने सारे नंबर है जिसको हम एज अ चॉइस ले सकते. सो दिस इज़ अ आंसर. नाउ नेक्स्ट सम्स 5/7, 11/7. सो सॉल्यूशन 5/7. सो यू हैव 6, 7, 8, 9, 10, 11/7. सो दैट मीन्स अगेन वी हैव मैनी नंबर्स टू राइट एज अ आंसर. सी बिटवीन देर आर 1, 2, 3, 4, 5. फाइव नंबर्स आर देर. सो आउट ऑफ दिस फाइव यू कैन राइट एनी थ्री एज अ आंसर ऑफ योर चॉइस. सो थ्री रैशनल नंबर्स आर 6/7, 8/7, 10/7. ओके यू कैन राइट 6, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 10. नाउ द लास्ट सम्स सॉल्यूशन यू हैव 0 देन सॉरी सी -3/4. फॉर एग्जाम्पल -3. सो यू हैव टू गो वन बिहाइंड पीछे जाना एक एक. सो -2 देन -1 एंड देन 0. ओके सो बिटवीन दिस एंड दिस इक्वेशन में 0 और -3/4 दिए. सो वी हैव ओनली टू नंबर्स बट वी नीड एज अ आंसर 3. हमको तो 3 नंबर चाहिए, यहाँ 2 ही है. सो वॉट वी विल डू, हम इसको 1 इंक्रीज करेंगे. तो 1 इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. सो दैट इज एनी नंबर हैज 1 इन डिनोमिनेटर. सो हियर वी हैव 3 2 6, 4 2 8, 0 2 0. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है. ठीक है तो ये आंसर भी 0 बन जाता है कि 0 का फ्रैक्शन नहीं होता. सो फाइनली योर क्वेश्चन इज 6/8 and 0. सो नाउ व्हेन यू विल राइट, अभी आप जब इसको लिखोगे सो 6/8 एक एक पीछे जाएंगे 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, 1/8 एंड 0. सो अगेन यू हैव मैनी आंसर एज अ ऑप्शन. सो 3 रैशनल नंबर्स आर -5/8, -4/8, -1/8. ओके okay?